नौ साल में क्या हुआ सब आपको पता है, इसका हमको बोलने का नहीं है। तो हमें भी लगता है परिवर्तन नहीं, एक महापरिवर्तन लाना है। वो हिम्मत दिखाया, लेकिन इतना हिम्मत दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। असलियत में ओबीसी अगर देश में 50% है, उसको 50% ही मिलना चाहिए। आज हमारे असम में तो ऐसा हालत है, किसी किसान के पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। हमसे कोई पार्टी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, लोगों के भलाई के लेकर हम उसके साथ रहेंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये सेकेंड टाइम यहाँ आने का मौका मिला। जब भी हमने हमको खबर दिया गया तो भी हमने तय किया जब हम यहाँ आएंगे, नहीं तो हमको छत्तीसगढ़ जाने वाला था। जो भी हो, ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा प्रयास है, और आप लोग ने ये जो तकलीफ उठाया ये आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। और जो जातिगत जनगणना है उसके हम सपोर्ट में हैं। जब भी हमको पार्लियामेंट में मौका मिलेगा तो भी हम जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरा है, हमारा इधर में हम लोगों का मार्गदर्शक राजकुमार सैनी जी है, क्योंकि मैं एक निर्दलीय सांसद हूँ कोकराझार का दो बार का। और हमने जब देखा जो हमारा चाहे SC हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, जितना सारा इश्यूज है उसमें लड़ने के लिए हमको भी थोड़ा पहल करना चाहिए। तो इसलिए हमने भी एक छोटा सा पार्टी बनाया जिसका नाम है गन सुरक्षा पार्टी। और यहाँ दिल्ली में लगभग 100 से ज़्यादा हमारा उसमें राजकुमार सैनी जी है, फुलेश्वरी सावित्री बाई है, हमारे मार्गदर्शक में इलियास आजमी जी है, हमारा कोऑर्डिनेटर देश का पूरा सदाब भाई खान है। ऐसा करके ऑल इंडिया का लगभग 100 से ज़्यादा पार्टी को हमने एक फ्रंट भी बनाया है जिसका नाम है इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट। और इसके जरिए ये जो आपका प्रयास है, हमारा भी थोड़ा छोटा सा प्रयास है, क्योंकि देश का लोगों को जुड़े और अपना मकसद के लिए, अपना इश्यूज को समाधान के लिए हम एक साथ लड़े। और इसी के लिए हम लोग भी इधर उधर सारा देश में घूम रहे हैं, और आने वाले दिन में ये प्रयास को हम संगठित जरूर करेंगे, और जहाँ जहाँ मौका मिलेंगे आप लोग के साथ जुड़ेंगे, और आप लोग का जो प्रयास उसको भी सफल करने के लिए हम जरूर करेंगे। आज छत्तीसगढ़ का हमारा भाई लोग आया हुआ है, मध्य प्रदेश का भी है, हम आने वाले 2-3 महीना वहीं पे रहेंगे, और हमारा भी प्रयास रहेगा जो प्रतिक्रियाशील शक्ति है उसको उखाड़ के एक लोगों का गवर्नमेंट होना चाहिए, जहाँ भी हो उसमें जरूर आपके साथ शामिल होंगे। क्योंकि हमने तो बहुत परिवर्तन देख लिया, परिवर्तन के नाम पे ये लगभग 9 साल में क्या हुआ सब आपको पता है, इसका हमको बोलने का नहीं है। तो हमें भी लगता है परिवर्तन नहीं, एक महापरिवर्तन लाना है, और इसीलिए हम निकल पड़े हैं। कभी किसी हम आपके वहाँ भी जाएंगे, और जो आपका ये प्रयास है उसको और जोर शोर से हम आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अभी हमारा जो छोटा छोटा पार्टी है वो भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, और आई बात देश का विरोधी एक होने का, हमसे अच्छा आप लोग का पुलिस आता है, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन नहीं था, अभी भी पॉलिटिशियन बनने का नहीं है हमको। थोड़ा हम जिम्मेदारी उठाया है, लेकिन हमको ऐसा पॉलिटिशियन भी बनना नहीं है जो इलेक्शन पहले कुछ बोलता है, इलेक्शन के बाद कुछ बोलता है। मैं पार्टी के बारे में जरूर बोलने के लिए नहीं आया हूँ, ये टाइम खर्च करना नहीं है। आप देखिए पार्लियामेंट में किसी ने अदानी को बहुत सारा गाली दिया, उसके बाद और किसी ने उसको सपोर्ट किया, और हमारा टाइम सब बर्बाद हो गया। उससे बदले अगर हमारा लोगों का जो मूल बुनियादी मुद्दा है अगर ये सोचा होता तो जरूर हमको अच्छा लगता। तो जो भी हो, हमारा प्रयास है, हम एक है, कल कम से कम हम 100 तक लेने का है, और हमारा जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं उसको भी हम पार्लियामेंट के लेके जाना है। और आपको इन्फॉर्मेशन एक हम शेयर करता हूँ, मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, और मैं भी आदिवासी से आता हूँ, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा वोट दिया OBC वालों ने। मैं 2014 में 52% वोट मिला मुझे, उससे हार्डली 10% ही हमारा आदिवासी का है, बाकी ज़्यादातर OBC है, माइनॉरिटीज का है। और हम
जो निभिदाई हम लोगों के बारे में हम पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो उसके अधिकार के बारे में उसके लिए हम लड़ता हो। और इसलिए हमको लगता है अगर हमारा कोकराझार कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा दूसरा जगह में भी अगर सब लोग को साथ हम एक साथ करने के लिए अगर हम संभव हुआ तो जरूर ये बदलाव नहीं महाबदलाव लाएगा। हमारा जो पहला मकसद है ओबीसी जैसा एससी जैसा आदिवासी भाई भी बहुत सारा बिखरा हुआ है उसमें नेता का कोई अभाव नहीं है लेकिन सर्वों में नेता अभाव है, पार्टी का अभाव नहीं है, कितना सारा पार्टीज है, धर्मों में जाति में बहुत सारा बंटवारा है, लेकिन हमारा ये प्रयास है उसके ऊपर उठ के अपने इश्यू पे अपने मुद्दे पे हम एक होना है और आदिवासी के साथ चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो चाहे माइनॉरिटी हो उसको जोड़ना है। मैं हर प्रदेश में गया हूँ लगभग, उसमें देखा है आदिवासी सबसे दिक्कत है वो दूसरों से मिलता नहीं है, पॉलिटिकली तो उसको कोई अलायंस में बनता भी नहीं है, इसलिए सारा बड़ा बड़ा पार्टी उसको फायदा उठाते हैं, वो एक साइड में आदिवासी को रखते हैं, एक साइड में ओबीसी, एक साइड में एससी को, और अपना वोट लेके जाते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का जो लोग है उसको पता है आज का डेट में आदिवासी छत्तीसगढ़ में दलदल में फंस गया, उसका जो आरक्षण है 32% से 23% चले गया, कांग्रेस वाला बोलते हैं साला बीजेपी का ये है इसके लिए जिम्मेदार है, बीजेपी वाला बोलते हैं साला कांग्रेस जिम्मेदार है, और अपना ओबीसी का अपना चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जो उन्होंने 76% आरक्षण रखा उसमें ओबीसी का ओनली 27%, जहां छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है 45% के आसपास ओबीसी है, जहां एसटी भी 40% के आसपास है उसको ओनली 32% दिया गया। वो हिम्मत दिखाया लेकिन इतना हिम्मत दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है, असलियत में ओबीसी अगर देश में 50% है उसको 50% ही मिलना चाहिए, और उनके लिए आरक्षण की पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए पोलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हमारे पार्टी फोन में यह सारा मुद्दा हमारा बात हुआ था, हम भी चाहते हैं 100% हिस्सेदारी सबको दिया जाए, जिसका जितना है उसको इतना देना चाहिए, और सिर्फ ये नौकरी और पढ़ाई में नहीं पोलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ में बोला हूँ जैसे आदिवासी को जमीन का मिलता है दूसरों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा किसान भाई यहाँ पे है, जब तक किसान का जमीन रक्षा नहीं होगा तब तक किसान भलाई नहीं होगा। आज हमारे आसाम में तो ऐसा हालत है किसी किसान के पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, तो ऐसे ही किसी सेक्टर में बहुत खराब है, इसलिए भी बहुत खराब हो गया। मैं यहाँ ज्यादा बोलने के लिए आया नहीं हूँ और हमारा उसमें ज्यादा विश्वास भी नहीं है, मैं जहां भी जाएंगे जरूर आप लोग को याद करेंगे और आप लोग को मिलेंगे, उसमें अगर आप लोग के लिए कुछ करना है हमको बोलना है हम जरूर करेंगे बोलेंगे, और हम लोग जहां जाएंगे एक साथ मिल के चलेंगे, हमसे कोई पार्टी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, जो लोग लोगों के साथ रहेंगे लोगों के भलाई के लिए करेंगे हम उसके साथ रहेंगे, और उम्मीद है आप जिस उम्मीद से ये प्रोग्राम कर रहे हैं सही आदमी हो नया न हो लेकिन आपका आवाज तो देश के कोने कोने में जाएंगे, ये मेरा उम्मीद है, और यही काम आप लोग भी करना हम भी करेंगे, और आने वाले दिन में हम एक साथ जुड़ के काम करेंगे। मेरा थोड़ा प्रोग्राम भी है इसलिए हमको जाना पड़ा, और जब भी आप लोग बुलाएंगे या आप लोग मिलेंगे तो भी हम जरूर आएंगे, यही उम्मीद रखते हुए पुनर्वार ये जो हमारा आयोजक है जिसने हमको ये मौका दिया है उन्होंने इतना कष्ट उठाया है उसका बहुत बहुत बधाई हो, और हमारा सहयोग उसके साथ रहेगा इसी उम्मीद रखते हुए मैं मेरा बोलने का बारी यही खत्म करता हूँ। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।